हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि ग्रोथ प्लान है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है और आगे आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकता है, और ये भी देखेंगे कि इस फंड ने पिछले सालों में किस टाइप का रिटर्न दिया है और इस फंड में क्या क्या रिस्क है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कोटक का स्मॉल कैप फंड है ये क्या है। देखिए, जो स्मॉल कैप फंड होता है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। देखिए, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 250 कंपनियां होती हैं, टॉप की कंपनियां होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उसके बाद की जो कंपनियां होती हैं उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। तो वहां पर जो स्टॉक्स होते हैं ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट वहां पर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें इसका इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, स्मॉल कैप तो बहुत रिस्की होते हैं। आप बहुत देखते होंगे कि कभी कभी जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो 20% का अपर सर्किट लगाते हैं, 20% का लोअर सर्किट लगाते हैं। तो स्मॉल कैप में तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क समझ में आता होगा कि अगर स्मॉल कैप फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होगा। अगर हम इस फंड का अभी रिव्यू करेंगे तो इसमें क्या है कि करीब 60 से 61 कंपनियां हैं। तो ये फंड ऐसा है कि यहां पर डाइवर्सिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। अभी हम जब इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो इस फंड का एलोकेशन है वो कौन कौन से सेक्टर में है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसका रिटर्न मिला है पिछले सालों में वो कैसा मिला है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर बात करें पिछले 6 महीने के रिटर्न की, तो पिछले 6 महीने का रिटर्न 45% से भी ज्यादा है, और अगर बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो पिछले 1 साल का रिटर्न है वो 140% से भी ज्यादा है, और अगर बात करें पिछले 3 साल का रिटर्न की, तो पिछले 3 साल का जो रिटर्न मिला है इसमें वो 20% से ज्यादा है, और अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो 21% से भी थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा है। और अगर बात करें कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि 2 जनवरी 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ है, अगर तब से इसका रिटर्न देखते हैं तो इसका रिटर्न 20% के आसपास ही मिलता आ रहा है। तो एक चीज आपको ये समझना होगा कि जो अभी इसमें पिछले 1 साल का रिटर्न है वो 140% दिखा रहा है। देखिए, पिछले 1 साल के रिटर्न में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जो कोविड का पैंडेमिक हुआ था वहां पर क्या है, मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर गया था, बहुत ज्यादा मार्केट गिरा हुआ था। तो अगर वहां पर जिसका इन्वेस्टमेंट था तो वहां से आपको 140% का इसमें ग्रोथ मिल रहा है। तो हम जनरली 3 से 5 साल का जो रिटर्न है वो देखेंगे क्योंकि वही आपको एक जेन्युइन रिटर्न होता है कि वही रिटर्न आपको मिल सकता है। तो अगर हम 3 से 5 साल के बीच रिटर्न देखते हैं तो, या फिर हम ये भी देखें कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 2013 जनवरी से, तो तब से ये जो फंड है ये 20% के आसपास रिटर्न देता आ रहा है। तो अभी हम आइए देखते हैं कि अगर आपने 1000 रुपए की SIP किया है इस फंड में तो पिछले 1 साल 3 साल और 5 साल में आपको कैसा रिटर्न मिल रहा होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे कि अगर आपने 1000 रुपए की SIP पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, यानी कि 1000 रुपए आप पर मंथ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12000 रुपए, और वह अगर बात करें कि रिटर्न कितना मिलेगा तो वो हो जाएगा आपका 19080 रुपए, और अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो 7080 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 3 साल के रिटर्न की, यानी कि पिछले 3 साल से आप 1000 रुपए पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो 3 साल बाद आज इसका जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 36000 रुपए हो जाएगा। और अगर बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न इसमें जो आपको मिल रहा होगा ओवरऑल आपका वो हो जाएगा 66,877, यानी कि करीब 67000 रुपए के आसपास में आपको इसमें मिल रहा होगा। और अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट जो होगा वो 30,877 रुपए के आसपास इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो अगर पिछले 5 साल से आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं पर मंथ, तो जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60000 रुपए, और इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा वो रिटर्न मिलेगा 5 साल बाद 116322 रुपए, और इसमें जो आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 56322 रुपए के आसपास इसमें आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी आपने देखा कि जो 1000 रुपए की अगर SIP करते आ रहे हैं पिछले 1 साल 3 साल और 5 साल में, तो वहां पर आपको कैसा रिटर्न मिला। तो अभी हम स्क्रीन पर ये देखेंगे कि अगर आपने 10000 रुपए को लमसम में इन्वेस्ट किया था आज से 3 साल पहले या फिर 5 साल पहले, तो आपको वहां पर जो 10000 रुपए है वो कितना हो गया होगा। तो ये चलिए स्क्रीन पर ये भी देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो अगर आपने 10000 रुपए का लमसम, यानी कि 10000 रुपए एक साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा 3 साल पहले, तो आज के समय में जो उसका टोटल
आपका रिटर्न हो जाएगा वो 17,528 रुपए हो जाएगा, और जो आपको रिटर्न मिल रहा है ये 20.55% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मिल रहा है। और अगर पिछले अगर आप ये देखेंगे कि 5 साल पहले 10,000 का लमसम में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पर जो आपका इसमें रिटर्न मिल रहा होगा वो 2,60,086 रुपए के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर इसमें रिटर्न देखेंगे कि जो इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है वो 21% से भी ज्यादा का इसमें आपको रिटर्न मिलता आ रहा है। तो अभी आपने देखा कि अगर आप 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा तो आज के समय में जो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो उसका टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा। तो आइए इस फंड की हम एनएवी देखते हैं कि इस फंड की एनएवी कितनी चल रही है। तो इस फंड की जो एनएवी है वो 148.54 रुपए के आसपास है अगर आप 28 मई को रिकॉर्ड देखेंगे तो। और अगर रेटिंग की बात करें, देखिए रेटिंग में क्या है, इसमें दो रेटिंग है। अगर आप उसकी रेटिंग देखेंगे क्राइजिल की रेटिंग तो वहां पर 5-स्टार रेटिंग है, और अगर आप दूसरे फंड्स में इसकी रेटिंग देखेंगे जो दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं तो वो उन्होंने इसको 4-स्टार रेटिंग दे रखा है। और अगर इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है वो 3,712 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। और अगर वही बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.57%। तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो काफी हद तक कम है। अगर वहीं इसके कैटेगरी के एवरेज की एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो करीब 0.83% के आसपास आता है। तो कैटेगरी में भी जो कैटेगरी के एवरेज में भी इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी हद तक कम है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर आप इस फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो अगर आप 1 साल के पहले इसमें अपने फंड को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको एग्जिट लोड कितना देना होगा। देखिए अगर आपने आज इस फंड में इन्वेस्ट किया और 365 दिन के पहले आप अगर 10% से कम रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है, जितनी भी यूनिट्स इन्वेस्ट कर रखी है उसका अगर 10% से ज्यादा 1 साल के पहले रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो वही साथ में हम टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये इक्विटी फंड्स है तो यहाँ पर क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब देखिए अगर आप 1 साल के पहले, यानी कि अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल के पहले अपने पैसे को रिडीम कर लिया इस फंड से, तो वहां पर क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और वो जो आपका एसटीसी टैक्स यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% लगेगा। और वहीं अगर आप इस फंड को आज इन्वेस्ट करते हैं और आपने 1 साल के बाद इस फंड से अपने पैसे को रिडीम किया तो अगर आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है तो वहां पर आपको टैक्स देना होगा जो कि 10% है। अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा अगर आप 1 साल तक इस फंड को होल्ड करते हैं तो। और अगर बात करें फंड मैनेजर की तो जो पंकज तिब्रेवाल है ये जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड को वही मैनेज करते आ रहे हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा। अगर आप एसआईपी करते हैं तो अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर आपको एसआईपी करनी होगी, और अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अभी तक हमने इस फंड के बारे में समझा कि इसमें आपको रिटर्न कैसे मिला, एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो आइए इस फंड को समझने से पहले हम ये भी और देख सकते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो जरूरी है देखना। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उसमें सबसे पहले आता है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स जो कि एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 4.7% है। और अगर बात करें कार्बोरंडम यूनिवर्सल की तो वो मेटल सेक्टर का स्टॉक है और ये 3.9% ये होल्ड करता है। और अगर बात करें शीला फोम लिमिटेड की तो वो टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है और ये 3.7% होल्ड करता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो वो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और वो 3.4% होल्ड करता है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड ये एफएमसीजी का स्टॉक है और ये 3.3% होल्ड करता है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है और ये 3% होल्ड करता है। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है और ये 2.9% होल्ड करता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कि ये इंजीनियरिंग सेक्टर का स्टॉक है ये 2.8% होल्ड करता है। जेके सीमेंट लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है ये 2.7% होल्ड करता है। ब्लू स्टार लिमिटेड जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है ये 2.5% होल्ड करता है। तो आपने देखा अभी कि जो ये फंड है इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो क्या क्या है। आपने देखा होगा कि जो मोस्टली इसका इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई है। तो चलिए हम इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं कि जो इसका एसेट एलोकेशन है वो किस किस सेक्टर में है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा है। अगर इसके टॉप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो केमिकल्स में है, केमिकल्स में ये 17.4% होल्ड करता है। और अगर बात करें इसके दूसरे टॉप इन्वेस्टमेंट की तो वो है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 13.4% है। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन में भी ये 10% होल्ड करता है। उसके बाद अगर देखें तो मेटल्स में करीब 9.7% होल्ड करता है। और अगर देखें टेक्नोलॉजी में तो ये टेक्नोलॉजी में 5.8% होल्ड करता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल वहां पर ये 8.4% होल्ड करता है। और अगर सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वहां पर ये 5.4% होल्ड करता है। अगर एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में भी ये 10.4% होल्ड करता है। टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल में भी 6.7% होल्ड करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो करीब 10 सेक्टर से भी ज्यादा है, और इसमें कम से कम 8%, 5%, 10%, 12% तक का इसमें एसेट एलोकेशन है। तो इस हिसाब से जो ये फंड है ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाई है, इसमें 60 से 61 स्टॉक हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो इस एक स्मॉल कैप का टैग होता है कि वो बहुत हाई रिस्क होगा, तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि बहुत हाई रिस्क यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मॉडरेटली हाई रिस्क है। मतलब आपका जो रिस्क है वो मॉडरेट होगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब 10 से 11 सेक्टर तो मैंने ही बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर में लोकेशन है, और अगर अदर्स में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा और भी वहां पर आपको सेक्टर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप ये देखते हैं कि जिसमें रिस्क आपका कितना होना चाहिए, तो आप अगर अभी देखें कि बहुत सारी कंपनियां मैंने आपको बताया कि जिसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है वो 4%, 3%, 2% के आसपास जिसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो अगर वो स्टॉक गिरता है तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से ये फंड आपके लिए बेहतर होगा अगर आप स्मॉल कैप की तरफ देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो देखिए, मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूं, जो कि मैं हर वीडियो के बाद देता हूं, तो मैं अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो क्या है कि देखिए, सबसे पहले कि जो इसका रिटर्न भी देखेंगे कि इसका जो रिटर्न है वो कैसा मिलता आ रहा है। तो हम 1 साल और 6 महीने के रिटर्न की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोविड का इम्पैक्ट से वहां पर आपको जो रिटर्न मिला है 140% वो है। हम ये देखेंगे कि जो 3 साल 5 साल और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से ये कितना रिटर्न देता आया है। तो अगर हम देखें तो 20 से 21% के आसपास ये जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि 2013 करीब 8 साल हो गया, 8 साल से ये फंड करीब 20 से 21% के आसपास आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको रिटर्न देता आया है। और अगर दूसरे पॉइंट को देखें तो दूसरा पॉइंट जो है इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। अगर इसका कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.83% है। तो अगर आप इसके पीएस को देखेंगे, इसके कैटेगरी को देखेंगे, तो कोटक म्यूचुअल फंड जो है, कोटक स्मॉल म्यूचुअल फंड जो है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर अच्छा ही है। एक चीज है कि एग्जिट लोड देखेंगे तो एग्जिट लोड वैसे मोस्टली सारे स्मॉल कैप में ऐसा ही होता है कि अगर आप 10% से ज्यादा अगर आप 1 साल के पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो इस हिसाब से, और अगर आप रिस्क की भी बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें मॉडरेट रिस्क होगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क होगा इस स्मॉल कैप फंड में, दूसरे स्मॉल कैप फंड में होता है, मैंने और भी स्मॉल कैप के वीडियोस बनाए हैं, वहां पर वो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वहां पर क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन इतना नहीं है, लेकिन जितना डाइवर्सिफिकेशन यहां पर है उतना डाइवर्सिफिकेशन शायद किसी भी स्मॉल कैप फंड में नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि अगर आप इस फंड में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत तरीके से ये फंड जो है आपके लिए फेवरेबल है, तो आप चाहें तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाके ग्रो ऐप, एंजल ब्रोकिंग, सैमको में कहीं भी अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और वहां से अपने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है या फिर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।